एमपी सीएम के अखंड भारत वाले बयान से चिढ़ गया पाकिस्तान। पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण। मोहन यादव के बयान पर नापाक पाकिस्तान में खलबली मच गई। पाक विदेश मंत्रालय को मोहन यादव ने तगड़ी सीख दे दी। जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और इसी के साथ ही अब अखंड भारत की बात और ज्यादा प्रबलता से की जाने लगी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ही अखंड भारत की बात अभी कुछ दिन पहले की थी और अब उनकी ये बात पाकिस्तान से बर्दाश्त नहीं हो रही है। पाकिस्तान को भारत के अखंड भारत की बात वैसे भी हमेशा से ही अखरती रही है और फिर एक बार मोहन यादव से अखंड भारत का जिक्र सुनना पाकिस्तान को बहुत पीड़ा दे रहा है। पाकिस्तान तिलमिला गया है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान जारी कर विरोध जताया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा है, पाकिस्तान भारतीय शहर अयोध्या में ध्वस्त बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर के निर्माण और अभिषेक की निंदा करता है। ध्वस्त मस्जिद आने वाले समय में भारत के लोकतंत्र के चेहरे पर एक कलंक बनी रहेगी। इसके बाद पाक विदेश मंत्रालय ने सीएम योगी और सीएम मोहन यादव के बयानों की भी निंदा की। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के ऑफिशियल हैंडल से कहा गया कि भारत में बढ़ती हिंदुत्व विचारधारा धार्मिक सद्भाव और क्षेत्रीय शांति के लिए गंभीर खतरा है। भारत के दो प्रमुख राज्यों यूपी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को बाबरी मस्जिद के विध्वंस और राम मंदिर के उद्घाटन को पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को फिर से हासिल करने की दिशा में पहला कदम बताया है। भारत में बढ़ते ऐसे मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संज्ञान ले। पाकिस्तान ने अपील संयुक्त राष्ट्र से भी की है। वहीं पाकिस्तान के इस चिढ़ पर एमपी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने फिर तगड़ा जवाब दिया है। सुनिए जरा। देखिए, पाकिस्तान लाख आपत्ति जताई, हम सब जानते हैं कि सिंध से जो विस्थापित लोग यहाँ आए, शरणार्थी आए, उसके पहले तो अखंड भारत था ही। तो ननकाना साहब सहित जो हमारे अपने अतीत के अखंड भारत के हिस्से अगर रहे उनको लेकर के, तो हमारे लिए आज भी हमारा राष्ट्रगान में हम पंजाब सिंध गुजरात मराठा सिंध को अलग थोड़ी छोड़ सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर का एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई है और उस अवसर पर हमारा सांस्कृतिक अखंड भारत का सपना हजारों हजार साल से रहा है, तो कोई की आपत्ति करने से वो बात समाप्त तो नहीं हो जाएगी, वो तो अपनी जगह स्थायी रहेगी। सुना आपने, मोहन यादव ने पाकिस्तान की आपत्ति दर्ज कराने पर कैसा जबरदस्त जवाब दिया है। वहीं आपको बताएं कि मोहन यादव ने क्या कहा था। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा पाकिस्तान के बचे हुए हिस्से को भारत में मिलाने की तरफ पहला कदम है। बस मोहन यादव के इसी बयान को लेकर पाकिस्तान आग बबूला हो गया। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी समय समय पर अखंड भारत की बात करते ही रहते हैं और पीओके कैसे पाकिस्तान का सताया है उस पर भी सीएम योगी ने कई बार बात की है। कश्मीर विकास की राह पर आगे बढ़ चुका है। कश्मीर में अब पाक अधिकृत कश्मीर से आवाज उठ रही है कि हमें भी अब इस पाकिस्तान से मुक्ति दो, भारत के अंदर फिर से वापस लागने का कार्य करो। वे मांग वहां पे उठने लग गई। आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर की क्या स्थिति है। 5 किलो गेहूं के लिए छीना झपटी हो रही है। इसी तरह के बयानों से पाकिस्तान को आपत्ति है और फिर अब जब राम मंदिर भी बनकर तैयार हो गया है तो पाकिस्तान को परेशानी तो इस बात से भी खूब हो रही है। पाकिस्तानी अखबारों ने राम मंदिर को लेकर छापा है। बाबरी मस्जिद को गिराकर बनाए गए राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार द डॉन ने एक ओपिनियन लेख प्रकाशित किया है जिसमें लेखक परवेज हुदबोई ने लिखा है, जहां पहले 5 शताब्दी पुराना बाबरी मस्जिद हुआ करती थी वहां अब राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर के चारों तरफ वेटिकन सिटी जैसा शहर बनने को तैयार है। देख रहे हैं ना आप
कैसी परेशानी हो रही है पाकिस्तान को, और उसके बाद जब मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अखंड भारत की बात कर दी तो फिर पाकिस्तान अपना आपा ही खो बैठा और पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने ही इस पर विरोध जता दिया। हालांकि पाकिस्तान को ये समझना होगा कि विरोध जताने से कुछ नहीं होगा, भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अखंड भारत बनने की तरफ बढ़ चला है और यकीनन पाकिस्तान की अब इतनी ताकत भी नहीं रही कि वो भारत जैसे देश का सामना कर सके, क्योंकि भारत अपने आप में एक बेहद मजबूत और संपन्न देश बन गया है पिछले 10 सालों में। वैसे अयोध्या में राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस तरह से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं।